बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं आपको लेके आया हूँ इलाफ़ टावर। इलाफ़ टावर जो कि स्कीम 33 में बन रहा है, और साथ साथ मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम पहले हो रहा है, बुकिंग बाद में शुरू हुई है। और ये बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको सामने नज़र आएगी, पंजाबी सौदागरान सोसाइटी है स्कीम 33 की, उसके बिल्कुल सामने। इसके पहले मैं आपको बताऊँ, इसके बराबर में सुमेरा चौक से जो रास्ता जीनत आबाद की तरफ जा रहा है, उसी रोड के ऊपर जो है ये इलाफ टावर बन रहा है। और ये हम आपको इसका साइड ऑफिस दिखा रहे हैं, फिर अभी मैं आपको इसकी साइट की कंस्ट्रक्शन भी दिखा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों ये देख लें, ये सारा बेस का काम तो सारा हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख लें, बेस का सारा काम हो चुका है। और ये अभी मैं अभी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि इलाफ टावर के हैं, उनसे बेसिक चीज़ें जो कि वो मैं अभी आपकी डिस्कशन करता हूं उनसे, तो आप देखिएगा, ये मैं आपको लेके जा रहा हूं। तो भाइयों मैं ये आपको इलाफ टावर जिस शेप के अंदर जो है जो वो डिज़ाइन हो रहा है, ये मैं उसका प्रोजेक्ट का मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। इसके बिल्कुल सामने जो है देखें, आपको मेन पे जो है शोरूम्स है और सामने डबल रोड है। और अभी हमारे साथ इनके एक रिप्रेजेंटेटिव जो अवेलेबल हैं हमारे गुडला के, जो हमें डिस्क्राइब करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जरा कुछ बताएं इलाफ टावर के बारे में हमारे व्यूवर्स को, जो हमारी वीडियो देखते हैं और जो इंटरेस्टेड है इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट के अंदर, तो कुछ बताएं आप, क्या है ये? क्या मैं प्रोजेक्ट के हवाले से बिल्कुल बता देता हूँ। सबसे पहले लोकेशन में इसकी बताऊं, ये स्कीम 33 के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है और बाकी ये पूरी सोसाइटी है, काठियावाड़ सोसाइटी कहलाती है। उसका प्लॉट नंबर 1 है, ये 1244 गज का ये प्लॉट है। सही है, का बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है सारे। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि नीचे जो इसके आपको नजर आ रही है कमर्शियल शोरूम्स है, ठीक है, 8 शोरूम्स हम लोग नीचे इसके दे रहे हैं। अच्छा, ये 2 साइड कॉर्नर है? बिल्कुल, ये 4 साइड कॉर्नर है। 4 साइड कॉर्नर, जी जी, ये अपार्टमेंट जो है ये 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट है। और इसके जो मैं शोरूम की बात कर रहा हूँ, ये शोरूम बेसमेंट के साथ है, ठीक है, बेसमेंट के साथ है। और जो ग्राउंड है उसकी हाइट जो है वो 18 फीट हाइट है, सही, तो मीन्स ये कि आप ऊपर मेज़नाइन भी बना सकते हैं। सही, तो बेसमेंट, ग्राउंड और फिर मेज़नाइन, ठीक है, इस तरीके से इसके। और बाकी इसके अंदर RFID सिस्टम हमने दिया हुआ है। अच्छा, ये जो RFID, सही है, जी जी, RFID सिस्टम है जो जिसके अंदर आपकी कीलेस एंट्री होती है। अच्छा, यहाँ से एंट्री होगी? बिल्कुल, के बिल्कुल, एक बंदे को कोड इश्यू हो जाएगा, RF कोड होगा उसका, वो खुद चला जाएगा, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत। बिल्कुल, उसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो डेडिकेटेड पार्किंग है वो 3 फ्लोर के ऊपर डेडिकेटेड पार्किंग है। अच्छा, 3 फ्लोर पार्किंग है? जी, 3 फ्लोर। ये तो मुझे बुर्ज अल जिना याद आ गया, बुर्ज अल जिना, उसमें भी इसी तरह। और जो इसका 4th फ्लोर है, हाँ, उसको भी मैं सिमिलर करूंगा उसी प्रोजेक्ट से, कि हाफ के ऊपर एमिनिटीज और हाफ के ऊपर जो है वो जनरल पार्किंग है हमारी। सही है, तो कहा जाए तो 4 फ्लोर के ऊपर टोटल पार्किंग आ जाती है हमारी, जिसके अंदर 4th फ्लोर के हाफ फ्लोर के ऊपर जो एमिनिटीज है उसके अंदर ये है कि हमारे पास इसमें जिम है, होता है आपका, इसके अलावा डे केयर सेंटर है। डे केयर सेंटर, बिल्कुल, डे केयर सेंटर भी है इसमें। और बाकी RO प्लांट और फायर सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी है, और बाकी मस्जिद भी इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, उसके ऊपर हम लोग आते हैं तो ये अपार्टमेंट जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह बिल्कुल ये बनेगा। इसके अंदर आपको 12 फ्लोर के ऊपर रेजिडेंशियल फ्लैट, ग्राउंड प्लस 16 है, ग्राउंड प्लस 16 है, 4 फ्लोर पे पार्किंग है, रेजिडेंशियल जो 12 है, बिल्कुल ठीक है, 12 फ्लोर के ऊपर रेजिडेंशियल इसके फ्लैट्स हैं, ठीक है, 3 फ्लोर पार्किंग हो गई है, 4 फ्लोर पार्किंग है, 4 फ्लोर पार्किंग, और उसके बाद जो है 12 जो है रेजिडेंशियल, ठीक है, गुड। कैटेगरीज की बात में कर लेता हूँ, इसके अंदर कैटेगरीज क्या है, जो ये साइड आप देख रहे हैं ये पूरी वाली साइड, जी ये पूरी वेस्ट ओपन साइड है, ठीक है, और बाकी ये जो सामने आप देख रहे हैं फ्रंट इसका ये है, ये जो आप देखेंगे सामने जो आपको 3 फ्लैट नजर आ रहे हैं ये जी, सामने जी जी, ये 3-bed DD, सही है, ठीक है, इसके अंदर कैटेगरीज जो है वो 3 कैटेगरीज है हमारे पास, 3-bed DD, 2-bed DD और 2-bed lounge, ठीक है, ये 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग ये अपार्टमेंट दे रहे हैं। और अच्छा, बाकी 2-bed lounge है, 2-bed DD है और 3-bed DD, ठीक है, और 3 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल का। अगर कोई स्पेशल कोई आता है कि यार मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा दो, तो स्पेशल केस कंसीडर मिल जाएगा, मतलब ये कि पेमेंट स्पेशल केस होगा वो, बिल्कुल स्पेशल केस होगा, बाकी पेमेंट्स के अंदर हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, ठीक है, आप आए तो ये कि इंशाल्लाह इसके अंदर आपको अच्छा
अच्छा अभी हम जो है भाइयों आपको जो है इनकी साइट का विजिट भी कराते हैं कि इन्होंने कितना काम करवा दिया है। ये नवीद साहब आज हमें मिल गए और हमारी गुड लक है क्या अभी ये हमें आगे साइट पे भी डिटेल में बताएं। तो भाइयों आपको ये सामने नजर आ रहा है और ये देख लें आप लोग कि ये साइट का एरिया है और आपको इसकी जो शटरिंग है वो स्पेशल शटरिंग आपको सामने नजर आ रही है। ये इन्होंने स्पेशली जो है वो पूरी पकड़ाओ हमारी इनकी मैनेजमेंट के कि इन्होंने स्पेशली ये एक्वायर की हैं सारी चीज़ें और मज़ीद आपको अभी नवीद साहब बताएंगे। नवीद साहब ज़रा बताइए शटरिंग के बारे में ज़रा। यार शटरिंग के बारे में भी बताता हूँ आपको, बेसिकली ये दुबई से इंपोर्ट की गई है। अच्छा ठीक है। और ये शटरिंग नॉर्मली आपको नज़र नहीं आती प्रोजेक्ट्स के अंदर। सही है। इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है इनका मकसद दामिन का, तो इन्होंने इसके अंदर ये कोशिश करी है कि इसके अंदर कोई कसर ना छोड़ी जाए। सही है। क्वालिटी के हवाले से सही है। ठीक है। इसके अंदर जो भराई हुई है वो भी आप अगर समझ लें कि जो डिगिंग हुई है ना, डिगिंग से लेके अभी तक के अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं, सही है, तो मैक्सिमम चार हफ्ते ये 4 हफ्ते का काम आपके सामने है। 4 हफ्ते में ये काम जी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल 4 हफ्ते पहले यहाँ पे डिगिंग हुई। ये भी नहीं कि डिगिंग का पीछे अगर आप दिखाएं तो मलबा भी आपको नजर आएगा। ये मलबा हमने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ये गीला मलबा निकलता है, ये सुखाने के लिए छोड़ा हुआ है। तो लोग तो यहाँ पे सालों साल ये मलबा पड़ा रहता है, उसके बाद फिर उठाते हैं। तो ये मलबा भी अभी 1-2 दिन में उड़ जाएगा यहाँ से। और बाकी क्या कहते हैं ये काम तकरीबन समझ लें कि 3.5-4 हफ्ते के लिए। मतलब अभी जो जो बेसिकली जो राफ्ट का काम होता है, जो बेस का काम होता है, वो सारा तो अभी हो चुका है। बिल्कुल। मतलब अभी हमने इन लोगों ने बुकिंग शुरू की है और ये वाला काम इसका हो चुका है। अब ये आप देखें ये जो पिलर खड़े हुए हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट में जो है ये ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा। मतलब अगले 2-3 महीने में ये इस रोड से ऊपर निकल चुका होगा। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर भाई मैं एक और चीज ऐड करूं कि इसके अंदर अगर कोई हमारे क्लाइंट आपके जरिए आते हैं तो उनको हम एक फेवर ये दे सकते हैं कि 3 साल का हम लोग इसके अंदर पेमेंट प्लान दे रहे हैं। अगर 36 मंथ्स बनते हैं, अगर 36 मंथ्स के अंदर हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए तो हम लोग 37वें महीने से आपको रेंट देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी। ये तो बहुत अच्छी खबर है यार कि आप मतलब लेट्स, क्योंकि मेजोरिटी जो है लोग जो है वो डिले के ऊपर जो है बड़ा परेशान रहते हैं। बिल्कुल। कि बिल्डर कमिटमेंट करते हैं कि 3 साल में देंगे लेकिन देते जाके 8 साल में। तो इन बिटवीन जो है हमारे जो मतलब जो क्लाइंट है, मतलब जो भी जनरल क्लाइंट भी होंगे उन्हें आप लोग रेंट पे करेंगे। रेंट पे कर बहुत अच्छी खबर है यार ये, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ये 3 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे। हम लोग इसके ऊपर फोर श्योर है कि हम लोग ये 3 साल से शायद पहले ही डिलीवर कर दें। तो ये देखिए मैं अभी जहाँ से आपको दिखा रहा हूँ इसका, जो इन्होंने मुझे बताया कि फोर साइड कॉर्नर है ये बिल्डिंग, तो ये वाकई 4 साइड कॉर्नर है क्योंकि हम जिस रोड पर अभी चल रहे हैं, ये नवीद साहब हमारे आगे चल रहे हैं, ये भी रोड है और इसके पीछे भी डबल रोड है और उसके साथ भी पीछे भी वहाँ पे डबल रोड है और सामने तो है ही डबल रोड, जो कि सामने बिल्कुल सामने जो है पंजाबी सौदागरान के नाम से, आपने नाम सुना होगा स्कीम 33 में बड़ी मशहूर सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो है पीछे मौजूद है। तो बिल्कुल सामने बिल्कुल फ्रंट पे इसके पंजाबी सौदागरान है और बड़ी फेमस और बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और ये मैंने आपको दिखा दिया, ये काठियावाड़ी के नाम से, मेमन काठियावाड़ी के नाम से सोसाइटी है पूरी। और आप देख लें पीछे इसी की कमर्शियल पट्टी पे 1200 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये देख लें आप लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और टाइम भी अच्छा मिलेगा। और सामने इसके जो आपको नज़र आ रहा है सुमेरा चौक है और पीछे जो है वो फेडरल वालों के फ्लैट हैं, फेडरल गवर्नमेंट वालों के फ्लैट हैं। सुमेरा चौक बड़ी मशहूर है यहाँ पर। और नवीद और कुछ बता सकते हैं तो बताएं, तो फिर हम वीडियो को क्लोज़ करें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा मैं इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड कर दूँ कि इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमने यूज़ करा है ना, जो प्रोडक्ट हमने इसके अंदर यूज़ करी है वो सारी की सारी 1 नंबर यूज़ करी है। इसके अंदर कोई हमने 2 तरफा है, क्योंकि ये मकसद दामिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हाईवेज कंस्ट्रक्ट करे हैं। ठीक है। आपने ग्रीन लाइन का बिल्कुल नाम सुना होगा, जो नाजमाबाद से लेके वो मेरे ख्याल से न्यू कराची से लेके बिल्कुल वहाँ से लेके ये नुमाइश तक जो चल रहा है। सही है। तो ये कंस्ट्रक्शन करने के ठेकेदार भी यही लोग हैं। सही है। ठीक है। तो ये इनके लिए समझ लें कि बड़ी पहला प्रोजेक्ट है इनका, फर्स्ट बेबी है। तो फर्स्ट बेबी को हर दफा बंदा ऐसा चाहता है, ऐसा ही होता है, जो जिसका पहला प्रोजेक्ट होता है वो ये उसके मतलब जहन में होता है कि हम एक लेगेसी क्रिएट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिसके बिहाव पे हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में हम बनाने वाले हैं। हाँ। और ये प्रोजेक्ट दिखा के हम उसको क्रिएट करें कि भाई देखो ये हमने अच्छा डिलीवर किया है
और पुराने बिल्डर जो है वो, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन सिकंदर भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लोग पुराने नहीं है, इन्होंने बहुत सारी चीजें डिलीवर करी है, ग्राउंड प्लस फोर की बहुत सारी चीजें इन्होंने डिलीवर करी है जो आप वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगी लोग। सही है सही है। लेकिन एक हाई राइज बिल्डिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि बाकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब इन्होंने हाईवेज बना दिए फिर ये तो कोई बड़ी चीज है, इसीलिए जो आपको काम की तेजी नजर आ रही है वो इसीलिए नजर आ रही है। हाँ, तो मतलब ये काम मतलब, हाथ के मतलब काम ये कि बुकिंग अभी स्टार्ट की है जी। और काम पहले शुरू कर दिया है तो ये यकीनन ये इनको मतलब पब्लिक के पैसों से नहीं बना रहे, बिल्कुल अपने पैसों से बना रहे हैं। तो ठीक है भाइयों, एक अच्छा प्रोजेक्ट इलाफ टावर के नाम से है, स्कीम 33 में है, सुमेरा चौक के पास है और जीनत आबाद के बराबर में है, काठियावाड़ी सोसाइटी के अंदर की कमर्शियल पट्टी पे है, 1200 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर है। तो भाइयों आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा हम लोगों से, जैसे एज यूजल आप लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। तो हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा और इसको प्रमोट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।